नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं भाजपा भोपाल की लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने एक बयान दिया जिससे भूचाल आ गया। बयान ये था कि उन्होंने ही एटीएस के चीफ हेमंत करकरे को श्राप दिया था कि उनका सर्वनाश हो जाएगा, और यही हुआ। जब 26/11 को मुंबई में ताज होटल में हमला हुआ तो उसमें हेमंत करकरे जी कसाब या आतंकवादियों की गोलियों द्वारा मारे गए थे और उनका देहांत हो गया था। असल में हेमंत करकरे जी के ऊपर एक जो है ह्यूमर फैलाया जाता है कि वे लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो वो लड़ते हुए शहीद नहीं हुए थे। जब उन्हें पता चला कि ताज होटल में हमला हुआ है तो वे कहीं से गाड़ी में आ रहे थे दो या तीन जो है पुलिस कर्मियों के साथ या एटीएस के कर्मियों के साथ, और जब आतंकी एक कार चुरा के भाग रहे थे, कार हाईजैक करके भाग रहे थे, तो उनकी कार का टायर पंचर हो गया था। उन्हें कार चेंज करनी थी, गाड़ी चेंज करनी थी, सामने से एक आ रही थी उस गाड़ी में उन्होंने अंधाधुंध जो है फायरिंग की, और जो उस गाड़ी में लोग थे वे मारे गए और वे गाड़ी हाईजैक करके चुरा के भाग गए आतंकवादी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने किसको मार दिया है। असल में उस गाड़ी में थे एटीएस चीफ हेमंत करकरे जी, जिन्हें शहीद का दर्जा मिला। हम शहीद का दर्जा देने के लिए मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, वो लड़ते हुए नहीं शहीद हुए, ऐसे शहीद हो गए इनडायरेक्टली, कोई बात नहीं। लेकिन यही कांग्रेस जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने शहीद का अपमान किया है, जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का जो है निजी मत है कि हेमंत करकरे ने कांग्रेस के इशारे पे, दिग्विजय सिंह के जो इशारे पे, शिंदे के इशारे पे उन्होंने फंसाने की कोशिश की थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था तो एक पुलिसकर्मी ने बोला कि हमें तो इन्हें छोड़ देना चाहिए, कोई सबूत नहीं बन रहा है, कोई केस नहीं बन रहा है। तो हेमंत करकरे जी ने चिल्लाते हुए कहा कि हम सबूत बनाएंगे, हम सबूत कहीं से भी लेके आएंगे, खुद बनाएंगे, लेकिन कैसे भी हम साध्वी को फंसाएंगे। ऐसा साध्वी जी ने अपने भाषण में, अपनी सभा में कहा और बताया। उन्हीं की कही जुबानी मैं आपको बता रहा हूं। तो उनका ये निजी मामला था, उन्होंने निजी तौर पे जो है शराब दिया था, और उनका ऐसा मानना है कि उनके शराब के कारण ही हेमंत करकरे जी का आतंकियों द्वारा मारा जाना पाया जाता है। लेकिन यहां पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो ये कह रही है कि शहीद का अपमान हुआ है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र इसमें दिखता है, रवैया दिखता है। वही कांग्रेस जो हेमंत करकरे को शहीद मानती है, हेमंत करकरे जी की प्रवक्ता बनी बैठी है, वही कांग्रेस एक दूसरा शख्स था, दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, जो कि बटला हाउस में शहीद हो गए थे। बटला हाउस का जो मामला हुआ था वह हुआ था 19 सितंबर 2008 को। 19 सितंबर 2008 को पुलिस के पास एक जो है सूचना थी कि बटला हाउस में, जो कि जामिया नगर दिल्ली में, वहाँ पर कुछ आतंकी आने वाले हैं या आए हुए हैं या छुपे हुए हैं। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर जो है आतंकियों ने क्रॉस फायरिंग, इसमें पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की, इसमें दो आतंकी मारे गए, तीन आतंकी गिरफ्तार हुए, दो गिरफ्तार तुरंत हो गए थे, एक भाग गया था जो बाद में गिरफ्तार हुआ था। इस तरीके से पांच आतंकी वहां पे पाए गए थे, और क्रॉस फायरिंग में इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा जी जो है अपनी जान से हाथ गवा बैठे थे, शहीद हो गए थे। लेकिन उन्हें शहीद नहीं माना गया था, कांग्रेस का कहना था कि ये एनकाउंटर फेक है, इट वॉज फेक एनकाउंटर। और उस समय कांग्रेस के विदेश मंत्री, उस समय एनडीए सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि यहां पर बटला हाउस में पुलिस ने जो है फेक एनकाउंटर किया है और इनोसेंट मुस्लिम्स को मारा है। और यह बात सुनके सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू आ गए। जबकि बाद में पूरा केस की छानबीन हुई, उस पुलिसकर्मी, उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा जी की वाइफ और कुछ पुलिस वालों ने इस केस को आगे बढ़ाया, कोर्ट में छानबीन हुई, कोर्ट में सुनवाई हुई, तब पता चला कि वह एनकाउंटर सही था, वो पांचों आतंकी थे जिनमें से दो मारे गए थे, तीन पकड़े गए थे। और उस समय एक और खुलासा हुआ था कि उस बटला हाउस वाले एनकाउंटर के दिन वहां पर यासीन भटकल भी मौजूद था। यासीन भटकल जो कि आईएम का सरगना था, आईएम इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर था, वही यासीन भटकल वहां आया हुआ था, और उस एनकाउंटर के महज आधे घंटे पहले वो वहां से चला गया था, 20 मिनट 25 मिनट पहले, लगभग आधे घंटे पहले वो चला गया था। अगर वो 20-25 मिनट रुक गया होता तो यासीन भटकल उसी समय 2008 में पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा के हत्थे चढ़ जाता, लेकिन वो वहां से बच निकला था।
जब 2011 में नेपाल बॉर्डर से यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई तो उसने पुलिस कस्टडी में यह बात कबूल की। यह मीडिया रिपोर्ट्स में पाया जाता है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी दे रहा हूं कि उसने यह बात कबूल थी कि वो उस टाइम जो है बटला हाउस एनकाउंटर के कुछ समय पहले वहां मौजूद था, फिर चला गया था जहां उसके साथी पकड़े गए थे। इस तरीके से 2008 के बाद 2013 में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को शहीद का दर्जा दिया गया और बटला हाउस एनकाउंटर, जिसे कांग्रेस फेक एनकाउंटर साबित करने पे तुली हुई थी, उसे रियल एनकाउंटर माना गया और उन पुलिस वालों और मोहन चंद शर्मा जी की वाइफ और मोहन चंद शर्मा जी की आत्मा को जब शांति मिली तब वह एनकाउंटर रियल पाया गया, रियल बताया गया और मोहन चंद शर्मा जी को इंसाफ मिला, उन्हें शहीद का दर्जा मिला जिसे कांग्रेस ने शहीद मानने से मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि हेमंत करकरे जी कांग्रेस के ऑर्डर के इशारे पर काम किया करते थे, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं आरोपों के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। इसीलिए कांग्रेस हेमंत करकरे जी की पैरवी कर रही है, तरफदारी कर रही है। तो मोहन चंद शर्मा जी एक तरफ, दूसरी तरफ हेमंत करकरे, दो पुलिस वाले हैं, दो देश के रक्षक हैं जिनके लिए कांग्रेस के अलग अलग व्यूज हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के दोहे रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी नजर में तो हेमंत करकरे जी और जो है मोहन चंद शर्मा जी लगभग लगभग एक ही हैं। दोनों ने ठीक है आतंकियों की गोलियों से अपनी जान गवाई, लेकिन कांग्रेस ऐसा दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया क्यों रखती है मेरे समझ में नहीं आता। आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। और जॉन अब्राहम बटला हाउस मामले पर एक मूवी भी बना रहे हैं जिसका नाम ही बटला हाउस है। उस बटला हाउस में मोहन चंद शर्मा जी की शहादत, उनकी कहानी और उनके इंसाफ की लड़ाई दिखाई जाएगी। तो बने रहिएगा। धन्यवाद।